तो हाँ मेरे दोस्तों, मैं फिर से राजपुर रोड पे हूँ और आज फिर मैं रैंडमली लोगों से बात करूँगी और पूछूँगी कि उन्हें देहरादून में क्या पसंद है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, छोटा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, बट देखते हैं कहाँ तक बनता है। अभी तक तो एक भी इंसान से बात नहीं करी, मुझे लग रहा है ये कॉलेज गर्ल खड़ी है तो मैं इसी से जो बात कर लेती हूँ। तो ये तो पहले ही साइड हो गई, तो इससे बात नहीं बनी, ये करूँगी इसी से बात। हेलो मैम, मैम आप देहरादून से हो? आपका वीडियो बना रही हूँ मैं, आप देहरादून से हो? तो आपको देहरादून में क्या अच्छा लगता है, बस ये बताइए। ठीक है, ये बैठे हुए हैं ना आराम से। आप देहरादून से हो? देहरादून से हो, क्या अच्छा लगता है देहरादून में? वीडियो बना रही हूँ मैं आपका, हैं? नहीं, आपको देहरादून में क्या पसंद है? एक चीज बताओ, कोई बोलो क्या बताऊं, क्या अच्छा लगता है? मौसम अच्छा लगता है, पहाड़ अच्छे लगते हैं, पेड़ अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, मेरा चैनल है यूट्यूब पे डून घाटी। तो आज मेरा चैनल है यूट्यूब पे डून घाटी, तो आज मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि उन्हें देहरादून में क्या पसंद है। तो आप बताओ सबसे पहले, आपको देहरादून में क्या पसंद है? क्या अच्छा लगता है वो अपना बताएगी, आप अपना बताओ। पेड़ अच्छे लगते हैं, पहाड़ अच्छे लगते हैं, मौसम अच्छा लगता है, क्या मौसम अच्छा लगता है? और आपको? यहाँ का नेचर, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। हाँ चल, और जगह से जाए आपको लिखूँ कम है थोड़ा। हाँ ठीक है, थैंक यू। तीन लड़कियाँ आ रही हैं, मैं कोशिश करूँगी इनसे बात करने की, तो देखते हैं इनसे बात होती है कि नहीं होती। एक्सक्यूज मी, मेरा चैनल है यूट्यूब पे दून घाटी ना, तो आज मैं रैंडमली लोगों से पूछ रही हूँ कि उन्हें देहरादून में क्या पसंद है, आप बताएंगे? जो पसंद है यहाँ का माहौल, आपका चैनल पसंद है। बहन तू भी तो बता दे, बहन बता दे, आप बताइए आपको क्या पसंद है? ये थोड़ा शायद बोलते कम है। नहीं तो कुछ तो बताओ, खाना पसंद है, पेड़ पसंद है, पौधे पसंद है, पहाड़ पसंद है, मोमोज पसंद है। ओके थैंक यू सो मच, दून घाटी। ओके बाय। ये लड़कियाँ तो बहुत ही अच्छी थी यार। चलो अब इन लड़कों से, इस लड़के से भी पूछती हूँ। मैं सोच रही हूँ ये जो फ़ोन चला रहा है ना, इससे पूछती हूँ, वो गेम खेल रहा है, इससे पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा चैनल है यूट्यूब पे ना दून घाटी। मेरा चैनल है यूट्यूब पे दून घाटी। हाँ तो मैं आज रैंडमली लोगों से पूछ रही हूँ कि उन्हें देहरादून में क्या पसंद है, तो आपको क्या पसंद है? मौसम और वादिया और मसूरी। खाने में तो हम लोग तो नाइट पे रहते हैं। हाँ मुझे तो ज़्यादा नॉनवेज ही पसंद है। ओके आपको देहरादून पसंद है ना? ओके बाय। बच्चे आ रहे हैं, मैं इनसे पूछती हूँ। सुनो, बहन मेरा चैनल है ना यूट्यूब पे धूम घाटी, तो आज मैं सबसे पूछ रही हूँ उन्हें देहरादून में क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। अरे नहीं कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, क्या पसंद है, क्या पसंद है देहरादून में, कुछ तो बताओ देहरादून में क्या अच्छा लगता है, आप बताओ ना, आप बड़े हो तो बच्चा है, क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? मौसम हो रखा था यहाँ, और इसके अलावा घूमना फिरना बस। अच्छा थैंक यू। हाँ भैया जी, एक मिनट भैया जी, मेरा चैनल है ना यूट्यूब पे दून घाटी, तो मैं आज रैंडमली लोगों से पूछ रही हूँ कि उन्हें देहरादून में क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है? नेचर पसंद है और वातावरण। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप भी बताएंगे सर? मेरा चैनल है ना दून घाटी यूट्यूब पे ना, तो मैं आज लोगों से सबसे पूछ रही हूँ रैंडमली कि आपको देहरादून में क्या पसंद है? वो रहना पसंद है, 20-25 साल रह रहे हैं। कोई एक चीज बताओ ना, स्पेशल सी चीज, एक स्पेशल सी चीज। यहाँ का हर मौसम बहुत बढ़िया है, हर ना मैं हाँ ये तो आपने सही बोला, मुझे भी यही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई अच्छी है? हाँ पढ़ाई अच्छी है, हाँ एजुकेशन अच्छी है, घूमने फिरने का सारी जगह अच्छे हैं। हाँ लोग भी तो अच्छे हैं, हर जगह 50 किलोमीटर के दे रहे हैं। हाँ चले जाओ ऋषिकेश, चले जाओ हर
और लोग भी तो अच्छे हैं यहाँ के ना, सबसे अच्छे तो लोग हैं यहाँ के। आप कहाँ से हो? मैं भी देहरादून से ही हूँ। मेरा चैनल है ना यूट्यूब पे दून घाटी नाम से, तो मैं हाँ तो मैं लोगों से आज वैसी बातें कर रही हूँ वीडियो डालने के लिए। थैंक यू सो मच, ओके बाय। तो इनसे बात करके तो मुझे बहुत ही पसंद आया, अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। इन्हें देहरादून में बहुत सारी चीज़ें पसंद है। फिलहाल इनसे बात करते करते एक मच्छर ने मुझे डस भी लिया, मेरा खून कर दिया उसने, मेरा खून पी लिया एक मच्छर ने। तो अभी देहरादून से हूँ और मेरा चैनल है यूट्यूब पे दून घाटी। आपको देहरादून में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? यहाँ का मौसम। वाओ, और यहाँ का ग्रीन सिटी जो है, हरियाली। वाओ सर। और यहाँ का प्यार भरा जो हमारा साथ है पगला। हाँ, देहरादून कुल मिला के बहुत अच्छी जगह है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे से थोड़ी सी बात करी पर अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे। हेलो सर, एक मिनट, मेरा चैनल है यूट्यूब पे दून घाटी। आज मैं रैंडमली लोगों से पूछ रही हूँ कि उन्हें देहरादून में क्या पसंद है। तो ब्लॉगर है, ये बताएंगे। सर बता दो ना फिर, क्या बताऊं? आपको देहरादून में क्या पसंद है? सब पसंद है, पसंद है। एक चीज बताओ, मैं इमोजी लगाऊंगी ना उस चीज की आपके वीडियो के साथ। कुछ तो होगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा देहरादून में। वो तो मसूरी में है, मसूरी देहरादून का बताओ ना। राजपुर रोड ना। हाँ, और सर आपको यहाँ का वेदर अच्छा लगता है? ठीक है, थैंक यू सो मच, दोनों ने बात करी। ये जो दो लेडीज आ रही है ना, मैं इनसे जरूर बात करूंगी, देखती हूँ कैसा रिस्पांस देती है, ठीक है। वॉइस और जेंट्स से तो बहुत बात करी। मैम सॉरी है, एक्सक्यूज मी, मेरा चैनल है ना यूट्यूब पे दून घाटी, तो मैं रैंडमली लोगों से पूछ रही हूँ कि उन्हें देहरादून में क्या पसंद है। मैडम प्लीज रुको ना, जब अच्छे से हंस रहे हो तो बात बता भी दो। अच्छा, और मैम आपको? थैंक यू सो मच। तो इन लोगों ने अच्छे से बात करी और मैंने जबरदस्ती भी रुकाया, बट बातें तो होती रहती है। हमारे देहरादून के बारे में पता तो चल रहा है हमें, से भी बात करूंगी, जरूर करूंगी। एक्सक्यूज मी, मैम रुको, तो आपसे बात करनी है। क्यों नहीं करनी? लड़कियां आ रही है, मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ, खुश है मेरे से बात करेंगी कि नहीं करेंगी पता नहीं। मैम, मेरा YouTube पे चैनल है दून घाटी। तो मैं रैंडमली लोगों से पूछ रही हूँ कि उन्हें देहरादून में क्या पसंद है। और खाने में क्या पसंद है यहाँ पे? खाने में? हाँ, फेवरेट है यहाँ के ना, काफी वो है कॉमन ना, अच्छा लगता है। आप देहरादून के ही हो वैसे? हाँ। थैंक यू सो मच। आपके चैनल का नाम क्या? दून घाटी। दोस्तों ये पैसिफिक मॉल है, जब भी मैं यहाँ से जाती आती हूँ तो तुम लोग को दिखाई देती हूँ कि मैं पैसिफिक के सामने से जा रही हूँ। और देहरादून का बहुत ही अच्छा मॉल है और बहुत ही प्यारा है मेरे हिसाब से। तो ये बॉडी बिल्डर आ रहा है, जरा इससे बात करी जाए और देखती हूँ बात करता है कि नहीं करता है, या गुस्सा ना हो जाए कहीं मेरे पे, तो मैं इससे बात करूँगी। सर आपसे एक बात करनी थी। मेरा चैनल है यूट्यूब पे ना दून घाटी, तो मैं रैंडमली लोगों से पूछ रही हूँ कि उन्हें देहरादून में क्या पसंद है। क्या पसंद है देहरादून में आपको? क्या पसंद है देहरादून में? यहाँ के पहाड़ पसंद है, जो अपर देहरादून में है, जो राजपुर के ऊपर है और उससे ऊपर जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो उससे ऊपर जाते हैं मसूरी, उसी में आते हैं। पहाड़ यहाँ की सबसे सुंदर चीज़ है और उसी वजह से लोग यहाँ पर बाहर के लोग भी आते हैं। और सर खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में क्या अच्छा लगता है? देहरादून का जो ठेली वाला फूड होता है उसमें से बताइए। देखिए देहरादून का ठेली वाला फूड कोई भी बहुत ऑथेंटिक फूड नहीं है। तो यहाँ का जो बढ़िया फूड जो है ना, वो बेसिकली आपको मिलेगा पहाड़ों में जाएंगे, छोटे छोटे गाँव में जाएंगे, गाँव का जो खाना जो है ना वो उत्तराखंड का और देहरादून के माउंटेन रेंजेस का वही ऑथेंटिक फूड है। जी सर। और ठेली के फूड की जहाँ तक बात है, देखिए ठेली के फूड आप दिल्ली जाएं, देहरादून जाएं, कानपुर जाएं, मेरठ जाएं, देर ऑल द सेम, उनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जी। ऐसा नहीं कह सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मेरठ में कुछ ठेली के खाने जो होते हैं बहुत अलग फील करते हैं, ऑथेंटिक कुछ टच होता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से। तो पर जो है हमें उसे देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बात करी, थैंक यू सो मच।
तो ये सर ने तो मन खुश कर दिया, काफी अच्छे से लंबी चौड़ी बात करी। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अच्छे से बातचीत करते हैं और हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं किसको किससे बात करूँ, देखते हैं लेट से कौन मिलता है। तो अभी कैमरा चालू है।